ये वायुसेना के C-130J एयरक्राफ्ट के करगिल एयर स्ट्रिप पर रात के समय उतरने का पहला वीडियो है। पहली बार ऐसा हुआ है जब वायुसेना का C-130J एयरक्राफ्ट रात के समय करगिल एयर स्ट्रिप पर लैंड किया हो। इन दिनों करगिल शहर में भीषण ठंड है और भारत की सुरक्षा के लिहाज से इलाका बेहद अहम है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों ही यहां अपनी मौजूदगी को पुख्ता किए हुए है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने यहां पर एक बड़ा कारनामा किया है। वायुसेना ने यहां पर रात के समय करगिल एयर स्ट्रिप पर C-130J सुपर हरक्यूलस विमान को लैंड करवाया है और अब इसका वीडियो सामने आ गया है। इस अभ्यास के दौरान टेरेन मास्किंग का काम करते हुए गरुड़ कमांडो को भी तैनात किया गया। टेरेन मास्किंग एक सैन्य रणनीति है जिसका इस्तेमाल दुश्मन के रडार से बचने के लिए पहाड़ियों जंगलों जैसे प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल होता है। इसका मकसद दुश्मन से छिपकर अपने अभियान को अंजाम देना होता है। अब रात के समय हुई ये लैंडिंग आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि रात के समय लैंडिंग चुनौतीपूर्ण होती है। करगिल चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और ऐसे में यहाँ पर लैंडिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण है। सर्दियों के समय होने वाली बर्फबारी तो लैंडिंग को और ज्यादा मुश्किल बना देती है। ऊपर से रात के समय बर्फबारी के बीच विमान को एयर स्ट्रिप पर लैंड कराना बेहद मुश्किल होता है। विमानों को लैंडिंग के दौरान रात के अंधेरे में न तो सिर्फ पहाड़ों से बचना होता है बल्कि लैंडिंग के लिए सिर्फ नेविगेशन का ही सहारा लेना पड़ता है। अब जिस विमान को भारतीय वायुसेना ने लैंड कराया है वो है सुपर हरक्यूलस C-130J। C-130J सुपर हरक्यूलस विमान को उड़ाने के लिए कम से कम 3 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है जिसमें 2 पायलट और 1 लोड मास्टर होता है। ये भारतीय वायुसेना का मालवाहक विमान है। विमान में 19 टन सामान लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से भारतीय वायुसेना ले जा सकती है। इस खास विमान में 4 रोल्स रॉयस A321-00T3 टर्बो प्रॉप इंजन लगे हुए हैं। अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो ये विमान एक घंटे में 644 किलोमीटर का सफर तय करता है और ये विमान बिना तैयार रनवे से छोटी उड़ान भरने और लैंडिंग करने में सक्षम है और इसीलिए भारतीय वायुसेना इस खास विमान को अपने बेड़े में शामिल किए हुए है। एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय वायुसेना ने खुलासा किया कि करगिल हवाई पट्टी पर रात में विमान की लैंडिंग के दौरान टेरेन मास्किंग का कार्य किया गया और ये बेहद अपने आप में खास होने वाला है। रात में C-130J की लैंडिंग इस बात को भी दर्शा रही है कि भारत की सेनाएं हर वक्त तैयार हैं हमले के लिए, हर वक्त तैयार हैं दुश्मनों को जवाब देने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।